तो सबसे पहले मैं सबको वेलकम करना चाहूंगा हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लास में, जहां हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। जी हाँ, ये बैच जो स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला के बारे में। और इसकी कोर्स कंटेंट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरी वेबसाइट ibtindia.com पे जाकर देख लीजिएगा, या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल मांग लीजिएगा। तो एक कंप्लीट, अगर मैं इन शॉर्ट बता दूं तो इस कोर्स में कंप्लीट एक्सेल है बेसिक टू एडवांस। जी हाँ, मतलब एक्सेल के जो भी इनबिल्ड फीचर है, मतलब कि फाइल से लेके डेवलपर टाइप के जो भी इनबिल्ड फीचर है, हर एक फीचर को मैं बेसिक टू एडवांस आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन ले सके और अपने वर्किंग प्रोफाइल में यूटिलाइज करें। क्लास के अंदर क्वेश्चन अलाउ है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास के बीच में आप सिर्फ क्लास से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करें। अगर उससे आउट ऑफ द टॉपिक या आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है तो क्लास स्टार्ट होने से पहले या क्लास खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल में कैलकुलेशंस को लेके। डेटा एंट्री वगैरह तो आपको जनरली आता है। अगर मान लीजिए कि किसी आपने एक्सेल फाइल, यहाँ फाइल में गए और न्यू पे गए, ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करके एक नया फाइल ले लिए, और आपके पास एक या तीन सीट मिल सकता है, 2013 या 10 है तो एक मिल सकता है, और आपके पास उससे हायर वर्जन है लोअर वर्जन है तो आपके पास तीन आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है, ये एक्सेल ऑप्शन में हर कोई अपने हिसाब से सेट कर लेता है कि कितना नंबर ऑफ सीट चाहिए उसको। तो जरूरी नहीं है कि एक या तीन सीट मिले। सीट को रिनेम करने के लिए जस्ट इस पर डबल क्लिक कर दें और रिनेम कर लें, और काम को स्टार्ट करने से पहले फाइल को सेव कर लें। अब जैसे आपने फाइल को क्रिएट किया है तो ये जो फाइल है अभी अनसेव्ड फाइल है। अभी जो है सुरेंद्र जी ज्वाइन कीजिए, वेट कर रहे हैं हम। सेम है ना, फिर बताया था ना सेम आईडी से ज्वाइन करना है, सेम सब कुछ सेम है। हेलो, हाँ सेम। यस यस आई एम। नहीं, वो सुरेंद्र जी थे ना कल जो आए थे सर, तो वो कंफ्यूज थे कि नया आईडी होगा, बट हर क्लास के लिए मैं एक ही आईडी रखता हूँ ना। तो डबल क्लिक करके इस पे अपना नाम को चेंज कर सकते हैं, और जब भी काम स्टार्ट करने से पहले फाइल को सेव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फाइल सेव नहीं होगा क्योंकि अभी ये जो है ये आपका टेम्प्रोरी क्लिपबोर्ड में फाइल गया हुआ है। जब तक इसको सेव नहीं करेंगे, एक ड्राइव एक नाम असाइन नहीं करेंगे, तब तक आपका डेटा सिक्योर नहीं है। तो ये हैबिट डालें कि आप पहले फाइल जब क्रिएट करें उसको सेव करें। तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस का यूज कर सकते हैं, या फिर फाइल में आपका सेव या सेव एज किसी भी क्लिक करोगे तो जाएगा सेव एज पे ही। उसके बाद ब्राउज पे जाए, ये आपके रिसेंट फोल्डर्स होते हैं, इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे आपके लोकेशंस है कि आपको सेव कहाँ करना है, जो मोस्टली आप, अब जैसे बहुत सारे लोग डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं, बट मैं डेस्कटॉप पे नहीं बोलूँगा सेव करने के लिए। आप अपने जो इम्पोर्टेंट फाइल है उसको DC ड्राइव में सेव करें, मतलब जिस ड्राइव में आपने विंडो रख रखा है उस ड्राइव में फाइल को सेव करना अवॉइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब विंडो करप्ट होती है तो लॉस्ट होने वाले फाइल सी ड्राइव का ही होता है। जैसे मान लीजिए आपका विंडो करप्ट हो गया और आपका डेटा रिकवर नहीं हो रहा है, तो सी ड्राइव को ही फॉर्मेट करके इसी पर नया विंडो अपलोड करेगा, तो बाकी जो ड्राइव की विंडो डेटा है वो आपको मिल जाएगा। ये हम विंडो क्रैश की बात कर रहे हैं, अगर हार्ड डिस्क क्रैश हुआ तो डेटा मोस्टली जाने का चांसेस हैं। विंडो क्रैश में आपका सी ड्राइव का डेटा, विंडो जिस ड्राइव में विंडो है, अरे ये जरूरी नहीं है कि हर ड्राइव हर विंडो जो है सी ड्राइव में होगा। अंजू जी आप सेशन को रिकॉर्ड कर ले अल्ट प्लस आर प्रेस करके। चलिए रंदर जी, मैं आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर आ रही है।
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डेस्कटॉप के अंदर एमवी फोल्डर में या फिर कहीं और भी सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को गलती कर रहा हूँ। चलिए मैंने भी ड्राइव चेंज कर दिया और यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे फाइल का नेम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि इस फाइल में कौन सा डेटा सेव होगा उससे रिलेटेड। हाँ हेमंत जी जी बोलिए। आपको मैसेज नहीं आया था? मैं भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने हिसाब से कीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, कुछ लोग को मैं आज इनवाइट किया था और वो लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने फाइल का नाम दिया। अब बात होती है फाइल की टाइप। देखिए आपके पास डिफॉल्ट वर्कबुक होता है और डिफॉल्ट आप वर्कबुक में ही सेव करो, लेकिन आगे चल के अगर किसी ने आपको फाइल भेजा और बोला कि भाई इस फाइल में मैक्रो लगा हुआ है, तो जिस फाइल में मैक्रो या कोडिंग वगैरह लगा हुआ है उस फाइल को कभी भी एक्सेल वर्कबुक में आप सेव मत कीजिएगा। जी हाँ, उस फाइल को कभी भी आप एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर कोडिंग वाली फाइल या मैक्रो वाली फाइल को आपने इस फॉर्मेट में सेव किया तो आपके सारे मैक्रो जो है वो आपके ये हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। सो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, सेव हम यहाँ पे जस्ट सेव पे क्लिक कर दिया तो अब हमने फाइल को सेव कर लिया। और फाइल को सेव करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए हमने आपको बता दिया। अब हमने यहाँ पे डेटा बनाना, जब भी कोई डेटा अगर जनरेट करते हैं तो एक सीरियल नंबर या यूनिक आईडी जरूर दे। किसी एम्प्लॉय का डेटा बनाते हैं तो एम्प्लॉय आईडी पहले होना चाहिए। तो अगर किसी में सीरियल नंबर नहीं भी है तो आप मैनुअली सीरियल नंबर जरूर डाल दें। तो डेटा में एक हैबिट रखें सीरियल नंबर जनरेट करने का, कि अगर सीरियल नंबर नहीं भी है तो आप सीरियल नंबर खुद से जनरेट करें। फिर यहां पे हमने दिया नेम, मान लीजिए क्वांटिटी एमआरपी, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एमआर। जैसे मैं टाइप करने के बाद टाइप पेस्ट कर रहा हूँ तो अगली कॉलम में आते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जब कहीं भी अगर कुछ टाइप करते हैं तो आप टाइप से आगे बढ़ सकते हैं या एंटर से नीचे आ सकते हैं। और कर्सर मूव करने के लिए एरो की है वो तो पता ही आपको कि आप एरो की से कर्सर को मूव कर सकते हैं, ऊपर जाना है नीचे आना है तो एरो की से जा सकते हैं आगे पीछे के लिए। और माउस पॉइंटर तो है ही। अब अमाउंट भी क्या है कि मुझे यहाँ अमाउंट को टाइप नहीं करना है क्योंकि क्वांटिटी और एमआरपी को मल्टीप्लाई करके अमाउंट बनेगा। तो अब इसमें वैल्यू तो कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई क्या करें, लेकिन हम सेल को मल्टीप्लाई करते ताकि इन फ्यूचर में जब कोई वैल्यू डलेगी तो खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इक्वल किया, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय इसको सिलेक्ट किया। तो सी टू क्या है, सी कॉलन एंड टू नंबर रो, डी कॉलन एंड टू नंबर रो। तो हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है एक्सेल के अंदर में, हर एक सेल के अंदर अपना एड्रेस होता है, उस एड्रेस का यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। अब यहां पे मुझे मान लीजिए जीएसटी निकालना है तो जो अमाउंट होगी उस पे मुझे 18% का जीएसटी निकालना है। तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18 और परसेंट का सिंबल दे दिया तो यहां पे परसेंटेज आपको निकल जाएगा। यहां पे आपका परसेंटेज निकल जाएगा।
और फिर यहाँ पे हम टोटल अमाउंट या टोटल कर देते हैं, जिसमें इन दोनों को ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमने प्लस किया और इसको प्लस किया, तो मतलब कि अब देखिए क्या होगा कि मैं सीरियल नंबर 1 दूंगा, यहाँ पे नेम मान लीजिए पूजा लिखा, टाइप किया, क्वांटिटी मान लीजिए 25 लिखा, एमआरपी को मैंने मान लीजिए 90 लिखा। तो एंटर प्रेस करते ही आप देखिए कि अमाउंट कैलकुलेट हो गया, जीएसटी कैलकुलेट हो गया और यहाँ पे टोटल भी आपकी कैलकुलेट हो गई, तीनों कैलकुलेट आपके हो गए। अब नीचे भी ऐसा हो तो नीचे होने के लिए इसके फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कैसे? तो इसको आप सिलेक्ट करें, कॉपी करें और फिर नीचे की तरफ सिलेक्ट करके पेस्ट कर दें। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी और पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे इसको पेस्ट करके छोड़ दें। अब मैं यहाँ पे जैसे जैसे एंट्री करूँगा मेरी कैलकुलेशन उसी तरह से होती चली जाएगी। इस तरह से बेसिक कंसेप्ट है। तो आगे यहाँ पे जैसे बोले जीरो आ रहा है, जीरो ना दिखे तो इसको हटाने के लिए और भी फॉर्मूला है जो कि आगे क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि डेटा टाइप करने के लिए क्या किया जाता है। अब इसमें आगे बात करते हैं आगे की तरफ। अभी जैसे कि हमने बताया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब पहले ही क्लास में मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं शॉर्टकट के बारे में कि हम जो काम नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं यहां से भी क्यों कर सकता हूं, या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। ऐसे आपके एक्सेल में भी बहुत सारे शॉर्टकट होंगे। तो शॉर्टकट कैसे पता चलेगा और शॉर्टकट क्यों यूज करेंगे? देखिए शॉर्टकट यूज करने की बात हुई तो ऐसा पाया गया है कि अगर आप शॉर्टकट से काम करते हैं तो आपका काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। थोड़ा सा क्या, 30% आपकी स्पीड समझिए बढ़ जाती है। तो जब आप कंप्यूटर से कीबोर्ड से काम करेंगे, मतलब कि माउस यूज नहीं करेंगे, कीबोर्ड से काम करेंगे, तो आपका 30% स्पीड जो है बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ, 30% पूरी की पूरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सारे ऑप्शंस की कीबोर्ड शॉर्टकट मुझे पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए आपका एक्सेल में ही सब कुछ दिया हुआ है, आप एक्सेल से ही पता कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे कि आप कर्सर जिस पे रखेंगे वहां उसकी शॉर्टकट यहां पे दिख जाएगा। जैसे हमने पेस्ट के ऊपर रखा तो कंट्रोल बी, इसी तरह से मान लीजिए मैं फिल्टर के ऊपर रखता हूं यहां पे तो आपको देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल दिख जाएगा, तो यहां पे आपको ऑटोमेटिक दिख जाता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन यहां पे ये आता है, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह से लिस्ट निकालना तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, हमें कुछ ऐसा करना है कि खुद ब खुद निकल जाए। तो उस केस में एक लिस्ट की तरह निकले, उस केस में अगर आपके पास लोअर वर्जन है तो आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करें या यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। और ये यहाँ पे सर्च ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो F1 आपका हेल्प का होता है। जी हाँ, एक्सेल का हेल्प। एक्सेल का हेल्प क्या होता है? एक्सेल का हेल्प होता है एक्सेल का यूजर मैनुअल। जी हाँ, यूजर मैनुअल। मतलब जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मोबाइल ही खरीदते हैं या कुछ और चीज़ खरीदते हैं, तो आपको आपको यूजर मैनुअल मिलता है। एक तरह से समझिए कि ये हमारा यूजर मैनुअल है। तो यहां पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे सर्च कर लिया शॉर्टकट, तो यहां पे क्लिक कर देना शॉर्टकट, यहां पे शॉर्टकट को सर्च कर लिया तो एक्सेल के जितने भी शॉर्टकट होंगे वो सारे यहां पे आएंगे। देखिए इसके लिए आपका इंटरनेट का होना जरूरी है क्योंकि ये इंटरनेट से चलता है। क्या हो गया इसमें?
नरेंद्र जी, एक मिनट, आपने ये उसका ये सर क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑडियो सिलेक्ट नहीं कर रहे आप? ज्वाइन ऑडियो नहीं, ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो होगा उसमें लिखा हुआ। आपने पीसी में हेडफोन है, लैपटॉप या पीसी आपका? दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लग रहा है इंटरनेट प्रॉब्लम है, इंटरनेट स्लो चल रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पे सर्च किया हमने और आपने देखा कि हमारे पास शॉर्टकट का लिस्ट आ गया। इसमें सारे शॉर्टकट दिए हुए हैं आपके, सारे शॉर्टकट्स हैं और उसके फीचर्स भी हैं। अब इसको एक बार प्रिंट आउट निकाल के या फिर कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लीजिए। शुरुआत में तो ऐसा नहीं कि आपको एक शॉर्टकट को याद कर लीजिए और आप यूज कर सके, जी नहीं, इसको आपको करना पड़ेगा यूज डेली बेसिस पे। तो जब भी आप काम करें तो काम देख ले कि आपका काम, मान लीजिए कि अभी जो मान लीजिए 10 बजे 11 बजे आप काम कर रहे हैं तो आपके पास काम इतना नहीं है, बहुत कम काम है, या काम जो है उसको जरूरी नहीं कि आज ही पूरा खत्म करना है, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। यहां पे हम शॉर्टकट का यूज करेंगे, माउस को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। तो धीरे धीरे आपका ऑफिस का 1 या 2 घंटा आपके पूरे लाइफ का, पूरा ऑफिस लाइफ बन जाएगा और आपका स्पीड 30% बढ़ जाएगा। तो आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि कहीं आप इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू देते समय अगर मान लीजिए किसी ने आपके जो भी प्रोग्रामर हैं उन्होंने बोला कि भाई करके दिखाइए, जैसे आपने सारे काम किए, तो क्या होगा कि आप बिल्कुल माउस से खटाखट काम करेंगे तो क्या होगा, अलग इंप्रेशन पड़ेगा कि देखना, हाँ ही हैज द एक्सपीरियंस, समझ जाएगा कि ही हैज द एक्सपीरियंस। और आपका थोड़ा सा अलग इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे आता है कि सारे शॉर्टकट तो होते नहीं, सब चीज के लिए शॉर्टकट तो होते नहीं, मतलब कि आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, सबके शॉर्टकट तो है नहीं। डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे यूज करें, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है, मतलब यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। अब इसका शॉर्टकट नहीं है या पता नहीं है तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम करेंगे कि हम ऑल्ट की, कीबोर्ड का आपका जो कीबोर्ड है उसका ऑल्ट की प्रेस करेंगे। जैसे कीबोर्ड का आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, आप देखिए आपके ऊपर मेनू बार जो है एक्टिवेट हो गया, और हर मेनू बार के नीचे जो होम है, फाइल है, इंसर्ट है, जो है एक करेक्टर है, एक करेक्टर का शॉर्टकट है। जैसे मुझे अगर बॉर्डर अप्लाई करना है तो ये बॉर्डर किस में है? होम मेनू बार में। तो मैं होम मेनू बार के आगे क्या एच लिखा हुआ है, तो मैं अपने कीबोर्ड का एच की प्रेस करूंगा तो होम मेनू बार के जितने भी फंक्शन है सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो होम मेनू बार के जितने भी फंक्शन है वो सारे आपके यहाँ एक्टिवेट हो गए। मुझे इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है, मतलब कि बी, तो मैं बी प्रेस करूंगा, और यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर के लिए ए दिया हुआ है तो ए प्रेस करूंगा। तो मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ा सा दिक्कत हुआ, अब मैंने पैटर्न बना लिया कि ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी ए, तो मैंने एक पैटर्न बना लिया कि ऑल्ट एच बी ए। तो मैं यहां पे इसको सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट एच बी ए, अब मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ओके, तो इस तरह से आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। प्रशांत जी, गोयल जी, शुभम जी, कोई डाउट है आपको? नहीं, फिलहाल कोई डाउट नहीं। शशांक जी, आप हेमंत वाजपेयी है ना? नहीं, मैं बेसिकली रैंसेट के थ्रू, अंजू रैंसेट के थ्रू। ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू।
और लिस्ट में नाम नहीं था ना, कोई शशांक है इसलिए पूछा। चलिए अब इसमें आगे हम बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल सी बात रखी कि हम मेनू बार को माउस के बगैर अल्ट की से भी जा सकते हैं, अल्टरनेटिव की से भी जा सकते हैं। ये आपको कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में मैंने दोनों बता दिया। अब बात होती है कि मुझे अगर राइट क्लिक करना है या फिर जो डालो बक्स आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, अगर डालो बक्स जो आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसको हैंडल करने के लिए जैसे मैं अपने कीबोर्ड का राइट की यूज करता हूँ, तो आप देखेंगे जितने भी ऑप्शंस है हर के नीचे एक अंडरलाइन लगा हुआ है। ये जो अंडरलाइन लगा हुआ है वो आपका शॉर्टकट है। जैसे मुझे अगर फॉर्मेट सेल पे जाना है तो फॉर्मेट सेल में देखिए एफ के नीचे अंडरलाइन लगाया था, मतलब कि मैं अपने कीबोर्ड का एफ बटन प्रेस करूंगा। तो एफ बटन प्रेस करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फॉर्मेट सेल खुल के आ गया। अब मैं इसमें जैसे कि मान लीजिए कि मुझे नंबर में जाना है और टेक्स्ट अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल नॉर्मल टैब, माफ कीजिएगा, नॉर्मल टैब करूँगा तो इसके अंदर आ जाऊँगा। अब मैं एरो की से इसके अंदर मूव कर सकता हूँ और टेक्स्ट पे आ गया। लेकिन मुझे मान लीजिए फॉन्ट पे जाना है तो मैं कंट्रोल टैब यूज करूँगा, कंट्रोल अलाइनमेंट एंड फॉन्ट, कंट्रोल टैब यूज करूंगा तो मैं फॉन्ट में पहुंच जाऊंगा। बॉर्डर पे जाना है, बॉर्डर में मुझे इसके अंदर आना है तो टैब, तो अंदर आने के लिए टैब और एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो अंदर मूवमेंट कर सकते हैं आप। और अगले टैब में जाना है कंट्रोल टैब। अब आपको मान लो पीछे आना है, मतलब मान लीजिए आपको नंबर में आना है या फिर फॉन्ट पे आना है, तो कंट्रोल टैब हम आगे की तरफ चलते हैं और कंट्रोल शिफ्ट टैब हमेशा रिवर्स, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो कंट्रोल टैब आगे की तरफ चलता है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो पीछे की तरफ आएगा। कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल टैब से पीछे, इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं और एंटर करेंगे तो ओके आ जाएगा, एस्केप करेंगे तो कैंसिल, क्योंकि स्टैंडर्ड है। तो मतलब कि आप अगर एंटर प्रेस करते हैं तो नीचे आता है और शिफ्ट एंटर करेंगे तो ऊपर जाएगा, टैब प्रेस करते तो कर्सर आगे जाता है, शिफ्ट टैब करेंगे तो पीछे आएगा। तो रिवर्स हमेशा, सॉरी टैब हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो इस तरह से शॉर्टकट का यूज आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब फाइल को जैसे काम कर लेते हैं तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक सेव होते जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ऑफिस 365 है तो यहाँ ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिकली फाइल सेव होता रहेगा। लेकिन इसको यूज आप बड़े फाइल पे मत कीजिएगा, क्योंकि बड़े फाइल पे करेंगे तो जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो कुछ सेकेंड्स के लिए मेरा सिस्टम हैंग होता है, कुछ सेकेंड्स के लिए। तो उस केस में दिक्कत क्या होगा कि आपका सिस्टम उतने देर के लिए हैंग रहे, इसलिए आप जो है इसका यूज छोटे मोटे फाइल पे करें, बड़े फाइल पे ना करें। अब जब भी अभी देखा था आपने कि मैंने फाइल पे गया था, न्यू पे गया था, तो यहाँ पे ब्लैंक बुक वर्कबुक ले लिया, लेकिन इसके अलावा कुछ फाइलें थी। ये क्या है? ये आपके टैम्पलेट्स हैं या नीचे भी। अब टैम्पलेट्स क्या होती है? ये आपकी बनी बनाई फॉर्मेट होती है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको बजट बनाने के लिए दिया गया। अब प्रॉब्लम है कि आपकी बैकग्राउंड अकाउंट से नहीं है, आपकी बैकग्राउंड अकाउंट से नहीं है, और या फिर है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी फॉर्मेट को तैयार कर सके, इतना टाइम नहीं है कि आप इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम कर सके। तो सिंपल सा हम यहां पे सर्च कर लेंगे, बिल इनवाइस जो भी कीवर्ड है उसको सर्च करेंगे, एंटर मारेंगे और यहां हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो चाहिए आपको। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको क्रिएट कर दिया और हमारा फॉर्मेट क्रिएट हो गया। अब इसकी कंपनी के बाकी चीजें चेंज कर लीजिए, अमाउंट चेंज कर लीजिए और देखिए प्रिंट करते समय देखेंगे कि आपका पूरा इनवॉइस का फॉर्मेट तैयार है।
या फिर मान लीजिए कि बजट की बात हो रही थी ना, मैं बिल सर्च कर दिया, तो यहाँ बजट भी कर सकते हैं। या क्या मंथली बजट है, मंथली कंपनी बजट है, ये आपका कॉलेज बजट है, मंथली फूड बजट है, मंथली कॉलेज एक्सपेंस है, इनकम सीट है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट को फिट बैठता है उसको आप ले लीजिए। ओके, जैसे इसी को लेता हूँ, बिजनेस मंथली बजट, और क्रिएट करता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसमें जस्ट अपना डेटा चेंज करना है, अपना इनकम इसमें डालना है, एक्सपेंस को यहाँ पे डालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको यहाँ डालना है, ये आपका बजट समरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। तो जस्ट मैं टैंपलेट की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बने बनाए इस तरह की टैंपलेट्स दिए हैं जिसका यूज आप कर सकते हो। ओके, अब बात आती है जी फिर टैंपलेट्स आखिर उसका और क्या बेनिफिट है। चलो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने बने बनाया दिया, हमने उसको यूज कर लिया, या फिर हम उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ हमें रिपोर्ट में इस तरह की चीज़ें करनी है। जैसे आपको मान लीजिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया, तो अगर आप जाके इस पे न्यू पे जाके देखेंगे तो यहाँ देखिए ग्रांड प्रोजेक्ट प्लानर दिख रहा है आपको, इस तरह की रिपोर्ट की आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए और क्या यूज होता है, तो अभी कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं डेली बेसिस में, आप लोग डेली बेसिस में करते हैं कि आप किसी पुराने रिपोर्ट को लेते हैं और उसको सेव एज कर देते हैं। जी हाँ, आप अपने पुराने रिपोर्ट को लेते हैं और उसको सेव एज कर देते हैं। सेव एज किस पे कर देते हैं, सेव एज आज की डेट। वैसे मैंने कल 21 तारीख की रिपोर्ट बनाई, उसको सेव एज करके मैं 22 तारीख की रिपोर्ट बना लूंगा, और जो 21 तारीख की डेटा थी फॉर्मेट में, उस डेटा को मैं क्लीन कर दूंगा और फिर उसमें अपनी नई डेटा डाल दूंगा। तो क्या इस तरह के फॉर्मेट बना सकते हैं? सर मैंने रिक्वेस्ट किया था, पहले तो आप सर चैट के जरिए क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि मैं बार बार चैट को नहीं देख सकता। आप हेडफोन यूज कीजिए, डायरेक्टली मुझसे पूछिए, क्योंकि मेरी नज़र स्क्रीन पे होती है, चैट हाइड होता है। दूसरी चीज, आउट ऑफ द टॉपिक की क्वेश्चन को क्लास से पहले या क्लास के बाद में पूछे। तो यहां पे मान लीजिए कि मैं छोटा सा समरी रिपोर्ट बना रहा हूं, यहां पे मैं डेली सेल्स इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ से साइज को बड़ा किया जा सकता है। अब मैंने मर्ज कैसे लिया, कुछ लोग बोलेंगे थे मर्ज कैसे किया हमने, बड़े से सेल को लिया और इसको यहाँ से हमने मर्ज कर दिया। इस तरह से मर्ज करके बड़ा सा सेल बनाया जा सकता है अपने हिसाब से, एक सेल हो जाएगा। और फिर मैंने इसमें अपना जो टाइप करना है टाइप कर दिया, और फिर इसको मैं यहां से बड़ा करता हूं, फिर अंडरलाइन यहां से कर सकता हूं, मैं यहां पे डेट डालता हूं और नीचे इसको सेलेक्ट करके मैं यहां पे एक अंडरलाइन होता है इस तरह से, और लोकेशन, ये छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूं ताकि मैं समझा सकूं आपको कि टेम्पलेट क्या होता है। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शन को बड़ा करता हूँ, यहाँ से कॉलम को बड़ा कर सकता हूँ। बैलेंस भी कर सकता हूँ, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो बैलेंस होगा वो होगा क्रेडिट माइनस डेबिट, पहले सवाल रो में, नीचे रो में होगा बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। मतलब कि मान लीजिए कि पर्सन वन डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कैश रिसीव,
रिसीव। मान लीजिए किस पर्सन के थ्रू, तो मान लीजिए मैंने पुनीत के नाम दे देता हूँ, डेबिट 0 है छोड़ देता हूँ, क्रेडिट में 5000 हमें रिसीव हुआ। अब यहाँ पे नंबर 2, अब यहाँ पे 5000 दिख रहा है, ये भी हट जाएगा, इसमें इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो अभी आप ये रिसीव एलिजिबल नहीं, हम आगे सिखाएंगे आपको। कैश नंबर 2 यहाँ पे मान लीजिए कि कन्वेंस में हमने खर्च किया, पर्सन है पूजा जी को दिया था और उन्होंने 500 खर्चा किया, तो यहाँ पे देखिए अब मेरा बैलेंस 4500 है। तो इस तरह के कुछ हमने डेटा बना लिया है, और मैं इसको एक बार लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं टोटल दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं डेबिट को टोटल कर देता हूँ, मैं क्रेडिट को टोटल कर देता हूँ सम लगा के। सम क्या है, एक फॉर्मूला है एक्सेल का, आप यूज कर सकते हैं, इक्वल सम स्पेस ये टैब मारेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, वरना आप नॉर्मली भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। फिर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और फिर क्रेडिट माइनस डेबिट कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस 4500 निकल जाएगा। और यहाँ कुछ और दे देता हूँ मैं, यहाँ पे ऑथराइज वाई कर देता हूँ, यहाँ से बॉर्डर लेता हूँ नीचे का, यहाँ पे मैं ऑथराइज वाइज और यहाँ पे चेक वाई। सिंपल सा फॉर्मेट बनाया कि जनरली जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर होते हैं वहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट यूज किया जाता है। अब ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये ग्रिड लाइन इसको बोलते हैं, तो पेज लेआउट में आपके पास यहाँ ग्रिडलाइट, यहाँ पे ग्रिडलाइंस में व्यू होता है, व्यू हटा दीजिए ग्रिडलाइंस आपको नहीं दिखेगा। अब ये रिपोर्ट मुझे डेली बनाना पड़ता है, तो डेली इसमें डेली हुई डेटा को क्लियर करना पड़ता है, मतलब कि पहली रिपोर्ट को सेव करके। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से भी क्लियर कर देता हूँ, अब मेरा फॉर्मेट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सेव एज कर दूंगा, जी हाँ सेव एज। ब्राउज एक लोकेशन ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हमेशा डी ड्राइव से बाहर ही सेल करता हूँ, और यहाँ पे मैं कैश के नाम से दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं टैम्पलेट एक्सेल टैम्पलेट को सेलेक्ट करूँगा, जी हाँ ध्यान रखिएगा एक्सेल टैम्पलेट्स, और फिर इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे दोबारा इस फाइल, मुझे मान लीजिए कल रिपोर्ट बनानी है, तो मैं अपने लोकेशन में जाऊँगा और यहाँ कैश पे डबल क्लिक करूंगा, खुल गया। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम कैश वन है, जैसे कि बुक वन था ऐसे बुक वन बुक टू बुक थ्री होता है, ऐसे हमारा कैश वन है। अब जब भी इसमें कुछ भी हम करेंगे, और तो उसके बाद मुझे इसको कंट्रोल एस करते हैं सेव एज, मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल फाइल है टेम्पलेट वो कभी चेंज नहीं होगा, जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पे नई फाइल ही देगा। तो टेम्पलेट से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, इसका यूज आपने ऑफिस में कर सकते हैं। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन कुछ पूछा है चैट पे, आप पूछिए क्या पूछना है आपको। हेलो अनु जी, कोई प्रॉब्लम है? जितेंद्र जी, प्रशांत जी? नो सर, क्लियर। नहीं सर, थैंक्स। तो इसको आप अपने ऑफिशियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, जब आप ऑफिस यूज करें कर सकते हैं। हाँ प्रशांत जी, बोल जी, कुछ पूछना है आपको, अनम्यूट करके पूछ लीजिए।
ये अकाउंट नंबर के बारे में किसी ने चैट पे पूछा, मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या दाखिल करना चाहते हैं। आप डुप्लीकेट्स को रिमूव करना चाहते हैं क्या? सपोज देयर इज द मेनी अकाउंट नंबर, आई वांट टू रिमूव इनसाइड द सिंगल कोटेशन बोथ ऑफ साइड अकाउंट नंबर हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट। प्लीज हेडफोन यूज किया कीजिए ताकि मैं सुन पाऊँ आपको। मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या चाह रहे हैं। सर, ये हम पूछना चाह रहे हैं हाँ कि सब एक मिनट, अभी आज आपकी आई थी, आवाज चली गई आपकी, नहीं सुन पा रहा हूँ आपको। सर हाँ आप सुन रहा हूँ, बोलिए। ये बोल रहे हैं जैसे सपोज हमारे पास बहुत सारा अकाउंट नंबर है, करीब 10,500 अकाउंट नंबर है, और उसमें बोथ साइड जो है सिंगल कोट लगा हुआ है दोनों साइड से, और हम चाह रहे हैं कि अचानक से मतलब एक साथ जो है कोई हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो उसका सिंगल आप कोट हम हटा पाए। सिंगल ये बोल रहे हैं ना आप, ये लगा हुआ है आपको इस तरह से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। हाँ यही। हाँ। और ऐसे बहुत नंबर्स हैं आपको, आप चाहते हैं हाँ सिंगल कोड को रिमूव करना। मतलब जैसे आपने यूज किया है 5 डिजिट, तो किसी में 5 है, किसी हाँ में मतलब छह है, ये हाँ किसी में। समझ गया, डिजिट अलग अलग होगा, लेकिन आपको आपका डिजिट से मतलब नहीं है ना, आपको मतलब है कि सिंगल कोड हटना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो फॉर्मूले यूज हो सकता है, एक तो सिंपल फॉर्मूला है वैल्यू का, तो वैल्यू इस पे काम नहीं होगा क्योंकि सिंगल कोड लगा हुआ है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये हो सकता है सिंगल कोड के अलावा कुछ भी और भी हो, कि सिंगल कोड को आप कॉपी कर ले सेलेक्ट करके, ठीक है, जी जो भी सिंगल कोड हो या कुछ भी हो जो लगा हुआ है उसको कॉपी कर लें और पूरे सीट को सेलेक्ट कर लें हाँ जो बिल्कुल कॉलम को, उसके बाद जी आप चले जाए होम में, यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस होता है, जी रिप्लेस में आए आप उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दें और नीचे कुछ मत लिखें, ब्लैंक जी और रिप्लेस ऑल। जी जी समझ गए? बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग चलिए था। ये एक और पूछना है सर हाँ कि एक तो पूछिए। जैसे हमने इसमें हटा लिया, अब अगर हमको डालना है तो फिर कैसे करेंगे? सिंगल कोड आपको डालना है तो फिर डालने में कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप जी सर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल कोड को डालें, एंड परसेंट लगाएं, इसको सेलेक्ट करें, फिर एंड परसेंट लगाएं और इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल कोड को डालें और एंटर मारें। सर, फिर से एक बार बता दिया जाए सर थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जी सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, तो दो हमने दो डबल कोटेशन मार्क के बीच में सिंगल कोटेशन डाला हुआ है दोनों तरफ, जी जी सर एंड परसेंट क्या करता है, एक गम की तरह काम करता है ज्वाइन करने का, जी जी सर जी सर क्लियर है? ओके, तो आज की मैं क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ। कुछ लोगों के पास रिकॉर्डिंग नहीं होगा, या जिनको सब आप सभी आदमी जितने भी हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार हाय लिख के भेज दें, क्योंकि कुछ लोगों ने नाम नहीं दिया हुआ है तो कंफ्यूजन है कौन क्या है, ताकि मैं कल जब आप ज्वाइन करें तो मैं आप लोगों को अलाउ कर सकूं। सुजीत हाँ जी जी, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ शैलेंद्र जी, क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती क्या? नहीं, कॉलम तो सोल्व हुई है लेकिन अभी हुई है, अभी मैं उसमें मोबाइल के आपने ऊपर में मोबाइल कर से रहा ज्वाइन हूँ। किया था आपने, तो कल से आप क्या कीजिएगा ना, मोबाइल और सिस्टम दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लास खत्म हो जाए थोड़ा सा ना, आप मेरे को जो क्योंकि कंप्यूटर पे अभी सेटिंग आज की करना। जो क्लास दी है उसकी मैं वीडियो आपको 5 मिनट में भेज देता हूँ मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, उसको देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो उसको नोट कर लीजिएगा, कल हम उस डाउट को पहले क्लियर करेंगे, मतलब उस टॉपिक को रिपीट करेंगे, फिर अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है सर? आप व्हाट्सएप करेंगे? चलो हाँ व्हाट्सएप, 5 से 10 मिनट लगेगा अपलोड करने में, ठीक व्हाट्सएप कर देना मुझे है, थैंक यू। और बाकी जो आज नए लोग ज्वाइन किए हैं जो कल से कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए मुझे, ताकि मैं कल से आपको भेज दूँ आईडी। ओके सर।